लेट्स क्रैक बियर 2021। हेलो दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद देखना है कि हमें क्या बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है कि आप अंपायर हो, अंपायर के पोजीशन से आपको एक क्रिकेटियर जो बैट्समैन है वो रन आउट हो रहा है, लेकिन वो क्रीज के अंदर पहुंच गया है, तो ये सारा हमें यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक विकेट कीपर जो स्टंपिंग मतलब स्टंप के पीछे रहता है वो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। पहले मैंने एक रेक्टेंगल, पहले एक ओवल, फिर रेक्टेंगल, फिर पैरों की पोजीशन, फिर हाथों की, अभी यहाँ पर मैं स्टंप्स निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि किस तरह हमें ड्राइंग करना है। पहले तो मैं HB पेंसिल से ये सब ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्रीज रहती है वो मैंने निकाल ली, तो इसे शेडिंग भी कैसे करना है वो भी मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बैट जो क्रीज के अंदर पहुँच गई है, और ये जो दूसरा प्लेयर है जो रन कर रहा है उसने डाइव लगा दी, तो ये पोजीशन मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो मैंने पहले थोड़ा हाथ की पोजीशन ले ली, फिर वॉल निकाला, फिर यहाँ पर रेक्टेंगल, और ये उसके पैर कैसे आएंगे वो मैंने सिंगल लाइन में यहाँ पर निकालने के बाद, अब उसके पैड और फिर ये पिछला वाला जो पैर है वो कौन से पोजीशन में आएगा। एक हाथ उसने ज़मीन के ऊपर रखा है और डायू उसने लगाई है, दूसरे हाथ में बैट है जो क्रीज के अंदर पहुंच गई है। तो यहाँ पर मैंने ये रफली निकाला है, उसको मैं डिटेल करूँगा। तो अभी दो फिगर मैंने यहाँ निकाले जो कि अंपायर जो लेग अंपायर है उस पोजीशन से कैसा दिख रहा है ये मैं दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। पीछे एक प्लेयर है, उसने भी दोनों हाथ अपने ऊपर कर लिए, आउट की अपील कर रहे हैं। और भी एक यहाँ पर मैंने फील्डर निकाला है, तो ऐसे लास्ट जो बैक साइड में उनके पीछे के साइड में तीन फील्डर मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। उनके एक्शन वो आपको थोड़ा डिटेल होने के बाद समझ में आएगी। तो यहाँ पर मैंने पांच फिगर्स निकाल लिए है। अभी थोड़ा मैं डिटेल के तरफ जाता हूँ। फिलहाल मैं HB की पेंसिल यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। जो कि प्लेयर ने हेलमेट पहना हुआ है, जो बैट्समैन है जो क्रीज के अंदर पहुँच गया है, ये उसके ग्लोव्स, यहाँ पर ये हाथ में बैट पकड़ी हुई है, और ये पोजीशन कैसे आएंगे। तो दोस्तों आपको ऐसी प्रैक्टिस मैं बार बार बताता हूँ कि मैंने बेसिक मेमोरी ड्राइंग के वीडियोस मैंने डाले, दो वीडियोस मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं कि बेसिक फिगर कैसे निकाल दे और फिगर की प्रैक्टिस कैसे करना है। दूसरी बात, तो जो 10 मिनट्स वीडियो है वो आपने ज़रूर देखना चाहिए, और वैसी प्रैक्टिस आपने 10 मिनट्स डेली करनी चाहिए। ये मेरा आपको फोर्स है, अगर आपका ड्राइंग आपको ऐसा लगता है कि अच्छा होना चाहिए तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं अभी
जो विकेट कीपर है, जिसके हाथ में ग्लोव्स में बॉल है और उसने स्टंप्स बिखेर दिए, तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा उसको डिटेल कर रहा हूँ। उसने कैप पहनी हुई है, ये दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर कैप पहनी हुई है जो विकेट कीपर है। तो विकेट कीपर बोलने के बाद उसके हाथ में ज़रा मोटे ग्लोव्स, पैड, कैप, तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। उसकी एक्शन, उसकी पोजीशन, ये सारी चीज़ें हमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो ये इमेजिनेशन करने के बाद ही हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ शूज़, उसके फुट की पोजीशन कैसे आएगी ये भी हमें देखना है। तो यहाँ पर मैंने ये पैड निकाल लिए। अभी नेक्स्ट जो लेग है उसका पैर, वो थोड़ा झुका हुआ, पूरा प्रेशर उसका राइट साइड में, राइट लेग के ऊपर। और ये बैट पीछे से दिख रही है उसके पैर के पीछे से भी। तो इस तरह ये मेरी फिगर्स यहाँ पर मैंने थोड़े डिटेल कर लिए, और भी उसको शेडिंग और डिटेल करना है। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा निकालने के लिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। ये प्रीवियस ईयर जो भी है उसमें, अभी मेरे को यहाँ पर पता नहीं कौन से ईयर में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी शेडिंग भी अभी स्टार्ट कर दी है। फ़िलहाल तो मैं HB की पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ। और भी ज़्यादा डिटेल करने के लिए फिर मैं 10B या 8B की पेंसिल यूज़ करूँगा, वैसे 2B की पेंसिल भी यूज़ करूँगा, जैसी उसकी आवश्यकता है उस हिसाब से। यहाँ पर मैं अभी स्टंप निकाल रहा हूँ। ये 2B की पेंसिल मैंने, मैकेनिकल पेंसिल है मेरे हाथ में, ये 2B है, ये 2B से मैं थोड़े उसके डिटेल्स यहाँ कर रहा हूँ, जो जो डिटेल्स करनी चाहिए। तो ये शर्ट उसने जो पहना हुआ है वो, और यहाँ पर आप देख सकते कि किस तरह मैं ये कर रहा हूँ, शेडिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों शेडिंग कैसी करनी, मैं तो यहाँ बताता ही हूँ कि नीचे के साइड में थोड़े शेड्स आएंगे, और यहाँ पर ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये, उनके दोनों के भी वाइट शर्ट पैंट या तो फिर जो भी है। अभी यहाँ पर मैं देखो 10B की पेंसिल मैंने ली है स्टंप्स निकालने के लिए। ये स्टंप, एक स्टंप सीधा खड़ा है वहाँ पर, दूसरा जो स्टंप है वो थोड़ा टेढ़ा, उसको बिखेर दिया है, और तीसरा और भी नीचे गया हुआ, और उसके फिर एक आधी बेल्स भी दिखाऊंगा मैं, जो बेल्स उड़ गई है हवा में है। तो दोस्तों मेमोरी ड्राइंग के लिए पहले आपको स्केच करना है रफली, फिर ये देखना है कि उसका कंपोज भी पेपर के ऊपर कैसा लग रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह मैंने ये सब कंपोज किए। नेक्स्ट उसके बैकग्राउंड जो है, यहाँ तो ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं करूँगा, लेकिन जो 3 फिगर मैंने निकाले हैं प्लेयर के, फील्डर जो है यहाँ पर देखो, ये मैंने उसके स्टंप के ऊपर जो बेल्स रहती है वो यहाँ पर दिखाई है, उसके पैरों के ऊपर से उड़ रही है।
ये हेलमेट जो है उसको मैं थोड़ा डार्क करूँगा। हेलमेट के सामने जो जाली रहती है वो भी यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं पैड जो है उसको थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ। पैड थोड़े डार्क रहे थे। अभी ये बैट का हैंडल यहाँ पर कुछ कंपनी मैंने बैट के ऊपर जो नाम दिख रहा है वो निकाल लिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना मेमोरी से दिखेगा उतना सोच कर बनाना है। तो यहाँ अभी मैं पीछे वाले जो फिगर्स है उसको थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने हर फिगर उसी तरह निकाली है जो मेरे वीडियो पहले जो मैंने बेसिक वीडियो जो डाले उसी तरह मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल, फिर हाथों की वन लाइन पोजीशन, फिर पैरों की वन लाइन पोजीशन, उसके बाद में फिर उसके पैंट शर्ट जो भी आएंगे वो, और उसके बाद डिटेल। तो आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में यहाँ पर मैंने कहाँ पर भी इरेजर यूज़ नहीं किया है। तो ये डांस कर रहा है, उसको वो फील्डर को ऐसा लग रहा है कि ये आउट हो गया, तो थोड़े डांस पोजीशन लिए मैंने यहाँ पे। अभी नेक्स्ट जो फिगर है एग्जैक्टली सामने दिख रही, आप देख सकते हैं जो मैं बना रहा हूँ, ये पोजीशन दोनों हाथ उसने ऊपर उठा लिए है और वो भी खुशी मना रहा है कि प्लेयर जो बैट्समैन है वो आउट हो गया है। लेकिन हालांकि आप देख सकते हैं कि वो क्रीज के अंदर पहुंच गया है उसने डाइव लगा के। तीसरी थर्ड पोजीशन यहाँ पर मैंने ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखाया ये फिगर में कि आउट ही है, उसने एक उंगली ऊपर उठा ली है, एक हाथ ऊपर उठा के। तो इस तरह आप अलग अलग एक्शंस पोजीशन ले सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर ये जो पीच है, पीच के आजू बाजू में यहाँ पर मैंने ग्रास दिखाए, पीछे जो ग्राउंड ख़त्म हो गया है वहाँ पर कुछ एडवर्टाइज लगे हुए है, और ये इंटर क्लब क्रिकेट मैच रहने के वजह से यहाँ पर पब्लिक मैंने कुछ दिखाई नहीं। तो ये पूरा जो वीडियो है मेरा, ये टोटल वीडियो जो है ये 32 मिनट्स में यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया है। तो ये थोड़ा इसका स्पीड बढ़ा के मैंने आपको दिखाया, ये 32 मिनट्स में विदाउट इरेजर मैंने यहाँ पर ये आपको ड्राइंग करके दिखाया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह किया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।